एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रगति। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कृष्ण जी के लिए बेड, या फिर आप कह सकते हैं कि आसन, कुछ भी कह सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कृष्ण झूला, अगर आप चाहते हैं उसको देखना तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। That's how we live it. Don't be mad at the system. It's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians. बेड को बनाने के लिए मैं यहाँ पर मिठाई के डब्बे का यूज़ कर रही हूँ, फॉइल के रोल का यूज़ कर रही हूँ और ये ग्रीन कलर का कलर है उसका यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने 1 kg का मिठाई का डब्बा यूज़ किया है, ये काफ़ी बड़ा है तो इसके लिए मैं इसको बीच से कट कर लूँगी। तो आपके पास 1/2 kg का मिठाई का कोई डब्बा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस डब्बे को हम 2 parts में डिवाइड कर लेंगे और इसके 1 part को हम बेड बनाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, इस डब्बे को मैंने 2 parts में डिवाइड कर लिया है। तो ये मेरे पास एक फॉइल का रोल है, अब इसको भी हम इक्वली 2 parts में डिवाइड कर लेंगे। इस फॉइल रोल का यूज़ हम बेड के पोल बनाने के लिए करने वाले हैं। पेपर कटर की हेल्प से हम इस फॉइल रोल के 2 टुकड़े कर लेंगे। फॉइल रोल को कट करने के बाद हम एक कार्डबोर्ड लेंगे और उसी रोल के साइज़ के कुछ पीसेस कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं रोल के साइज़ के 4 circles को कट कर रही हूँ। ये सर्कल को हम रोल का फ्रंट और बैक को कवर करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए, हमारे 4 circles को मैंने कट कर लिया है। इसको अब मैं फेविकॉल की हेल्प से इसके फ्रंट और बैक में अच्छे से चिपका दूँगी। इन सर्कल को मैं इस रोल में इसलिए चिपका रही हूँ जिससे कि पोल को बेड पे फिक्स करना इजी हो जाएगा और ये इधर उधर नहीं गिरेंगे। इसको चिपकाने के लिए आप फेविकॉल का या फिर ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फेवी बॉन्ड हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो और भी अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं बॉक्स के ऊपर के ढक्कन को वाइट कलर के पेपर से कवर कर दूँगी। मैं बेड को यहाँ पर ग्रीन कलर का बना रही हूँ तो ऊपर के कवर पर ग्रीन कलर के कपड़े को लगाना इजी हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें वाइट रंग के पेपर को लगा रही हूँ। उसके बाद नीचे के ढक्कन में हम ग्रीन कलर का पेंट कर लेंगे। ग्रीन कलर आप कोई भी ले सकते हैं, फैब्रिक कलर ले सकते हैं या ऑयल कलर ले सकते हैं या फिर आपके पास वाटर कलर हो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बेड को ग्रीन कलर का बना रही हूँ इसलिए मैं नीचे के ढक्कन को ग्रीन कलर कर रही हूँ। अगर आप कोई और कलर का बना रहे हैं जैसे कि रेड कलर या येलो कलर, तो नीचे का बेस भी उसी कलर का रखें। जिस कलर का कपड़ा है आप यूज़ करेंगे उसी कलर का नीचे का बेस भी रखेंगे तो दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। इससे पहले मैंने कृष्ण जी के लिए झूला बनाया था, वो रेड कलर और येलो कलर में बनाया था, इसलिए मैं बेड को ग्रीन कलर का बना रही हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने कृष्ण झूला कैसे बनाया था तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। बॉक्स में हमने ग्रीन कलर का पेंट कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो पोल बनाने वाले हैं उसको भी हम ग्रीन कलर का ही करने वाले हैं। दोनों पोल्स पर हम ग्रीन कलर का पेंट करेंगे। पेंट का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम इनको ड्राई होने के लिए रख देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। पोल पर हमारा पेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम बेड के लिए ऊपर के कवर को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ग्रीन कलर के कपड़े का यूज़ किया है। ये ग्रीन कलर का कपड़ा मेरे पास थोड़ा ही था तो उसके लिए मैं एक ट्रिक का यूज़ करने वाली हूँ। फेविकॉल की हेल्प से मैं इस बॉक्स के ऊपर इस कपड़े को लगा लूँगी। साइड में थोड़ा सा कपड़ा कम लग रहा है तो इसके लिए मैं एक लेस का यूज़ करूँगी, जिससे मैं इसके साइड के किनारों को सिक्योर कर लूँगी और वो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ग्रीन कलर के फैब्रिक को इस बॉक्स पर लगाने के लिए मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ करूँगी, जिससे कि ये कपड़ा इस पर अच्छे से लग जाएगा। अगर आपके पास ग्रीन कलर का ज़्यादा कपड़ा है तो आप बॉक्स को पूरा अच्छे से कवर कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ा ही कपड़ा था इसलिए मैं इस तरीके से कवर कर रही हूँ। कपड़े से कवर करने के बाद मैं यहाँ पर साइड के किनारों को सिक्योर करने के लिए एक लेस का यूज़ करूँगी, जिससे कि मेरे जो साइड के किनारे जो दिख रहे हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। आपके पास अगर दूसरे टाइप का लेस हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कपड़े से थोड़ा मैच करते हुए लेस का यूज़ करेंगे, वो दिखने में ज़्यादा बेटर लगेगी। अगेन, लेस को लगाने के लिए भी मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मेरा बनाया हुआ बेड देखकर आप इसको ट्राई करने वाले हैं तो इसकी पिक्चर आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अपने आगे आने वाले नए वीडियो में आपकी पिक्चर ज़रूर शेयर करूंगी अपने चैनल पर। तो देखिए, हमारा ऊपर का बॉक्स रेडी हो चुका है और नीचे का बॉक्स भी हमारा ड्राई हो चुका है।
अब हम इसको रेडी कर लेते हैं। जो हमने ग्रीन कलर के दो पोल्स को रेडी किया था, अब हम इसको इस बॉक्स में फिक्स कर लेंगे। दोनों पोल्स को अच्छे से फिक्स कीजिएगा। पोल्स को फेविकॉल से फिक्स करने के बाद इसको भी हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। तब तक हम ऊपर के कवर को रेडी कर लेंगे। दोनों साइड और बैक को कवर करने के लिए मैं यहाँ पर नेट फैब्रिक का यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास वाइट रंग का नेट का कपड़ा ना हो तो आप कोई और कलर का कपड़ा भी ले सकते हैं। इस नेट फैब्रिक को मैं एज अ कर्टन की तरह यूज़ करने वाली हूँ। दोनों साइडों में और इसके बैक में हम इस नेट फैब्रिक को कर्टन की तरह लगा लेंगे। पर्दे की तरह प्लीट्स बनाते हुए इस कपड़े को मैं इसमें अच्छे से चिपका दूंगी, जिससे कि नेट फैब्रिक पूरा कर्टन का लुक देंगे। तो हमारा पोल्स भी ड्राई हो चुके हैं। ऊपर के दोनों पोल्स पर हम इस कवर को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। ऊपर के कवर को इस पर अच्छे से फिक्स करने के बाद इसको भी हम थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से इसमें फिक्स हो जाए। इसके फ्रंट को शो देने के लिए मैं इसमें रेड कलर की लेस का यूज़ कर रही हूँ। इस लेस को भी मैं इसमें अच्छे से फिक्स कर दूँगी। इस लेस को फिक्स करने के बाद मैं इसमें बेड के ऊपर भी एक कपड़ा यूज़ करने वाली हूँ। आप कोई भी कपड़ा या आपके पास कोई भी लेस हो, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बेड के ऊपर मैं कोई भी कपड़ा या लेस फिक्स नहीं करने वाली हूँ, जिससे कि हम उसको जैसे हम घर में बेडशीट चेंज करते हैं, उसी तरीके से हम उसको डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ये लेस लगा कर दिखाई है। मेरे पास ये काफ़ी चौड़ी सी लेस थी, उसको मैंने इसमें लगा कर आपको दिखाया है। उसके बाद कर्टन को थोड़ा फिक्स करने के लिए साइड पर मैं स्टेपलर का यूज़ कर रही हूँ और साइड से कर्टन को यहाँ पर फिक्स कर लूँगी। उसी तरीके से देखिए, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर ही मेरे पास एक गोल्डन कलर का पीस रखा हुआ था, उसको भी मैं यहाँ पर लगा के दिखाती हूँ। इसको भी जस्ट मैंने एज इट इज़ आपको लगा के दिखाया। आप अलग अलग तरह के कपड़ों को ऊपर से चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पर झूले का फाइनल लुक दिखा रही हूँ। अभी थोड़ा सा यहाँ पर मुझे इनकम्प्लीट लग रहा था, तो मैंने सोचा बेड के साइड के मैं आपको यहाँ पर दो कुशन्स बना के दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने ये पतली वाली फ़ोम शीट का यूज़ किया है। आपके घर में जो भी फ़ोम शीट हो, या अगर आपके पास फ़ोम शीट नहीं है तो आप कॉटन का यूज़ भी कर सकते हैं। किसी कपड़े में थोड़ी सी कॉटन लगा के उसको किसी भी कपड़े से कवर कर दीजिए, उससे भी आपके कुशन्स रेडी हो जाएंगे। दोनों कुशन्स को बनाने के बाद मैं यहाँ पर इसमें रेड कलर के फैब्रिक का यूज़ करूँगी। रेड कलर के कपड़े से मैं इसको कवर कर दूँगी। रेड कलर के कपड़े से कवर करने के बाद आप इसमें इसके साइड में कोई भी लेस या कोई भी स्टोन भी लगा सकते हैं, बट मैंने इनको यहाँ पर प्लेन ही रखा है। आप चाहें तो थोड़ा सा डेकोरेशन इनमें कर सकते हैं। बेड के ऊपर के कवर में या फिर कर्टन में आप थोड़ी सी और डेकोरेशन कर सकते हैं, कोई भी फ्लावर या स्टोन्स लगाकर। मैंने थोड़ा सा सिंपल ही रखा है, आप चाहें तो और भी डेकोरेशन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बेड का पूरा फाइनल लुक इनको बेड पर लगा कर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।